ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े बदमाश ने घुसकर ज्वेलर्स पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। ताबड़तोड़ ज्वेलर पर हमलावर ने कई प्रहार किए। चीख पुकार सुनकर आई पत्नी को भी चाकुओं के प्रहार से हमलावर ने घायल कर दिया। घटना शहर कोतवाली इलाके के जनकपुरी की है, जहां दिन में करीब 11 बजे विजय वर्मा नामक ज्वेलर की दुकान में नामजद प्रेम गौतम नाम का व्यक्ति सामान देखने के बहाने से आया और ज्वेलर से पहले सामान देखा और उसके बाद चाकू निकालकर ज्वेलर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। ज्वेलर ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावर चाकू लेकर ज्वेलर पर हावी होने लगा, जिससे ज्वेलर गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर उसकी पत्नी भी वहां आ गई। ज्वेलर के घर के ही अंदर दुकान है। पति को बचाने आई पत्नी पर भी हमलावर ने चाकू से कई प्रहार कर दिए। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चीख पुकार का सुनकर पड़ोसी जब ज्वेलर के घर आए तो खून से लथपथ पत्नी को देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। ज्वेलर पर हमलावर द्वारा चाकू से हमले की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। सीओ सिटी राकेश कुमार ने बताया कि प्रेम गौतम नामक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी गई है, जो सामान खरीदने के बहाने दुकान में आया था। करीब 10 मिनट बाद सामान देखने के बाद उसको ज्वेलर पर चाकू ओर से प्रहार कर दिया, जिससे बचाने आई उसकी पत्नी पर भी हमलावर ने चाकू से कई वार किए। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उनका हायर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। पुलिस नामजद आरोपी प्रेम गौतम की तलाश कर रही है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से ज्वेलर पर हमलावर द्वारा ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए जा रहे हैं, वह वाकई हैरान कर देने वाला मामला है। जिस तरह हमलावर दिन दहाड़े दुकान में घुसकर ज्वेलर पर चाकुओं से प्रहार कर रहा है, हमलावर के साथ कितने और लोग शामिल थे, अभी इसकी पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह 3 लोग थे, जहां पर 2 बाहर खड़े हुए थे और शातिर बदमाश प्रेम गौतम दुकान के अंदर गया था। सभी बिंदुओं पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। तो क्या घटना हुई थी, क्या बताया? मैं तो अभी आई हूं पल्ले से वाला। तो क्या सुनने में आया, क्या हुआ था? कि अंदर घुस गए, अंदर चक्कू पक्कू मारे मेरे बच्चों के बंके और बाकी लड़का के हाथ तान में माँ को मारे। मुझे पता लगी यहाँ से गए तक खबर पहुंची है भैया। कितने लोग थे कुछ पता लगा? 4-5 बता रहे भैया। 4-5 लोग थे। तो अस्पताल में भर्ती हैं दोनों लोग? अस्पताल नहीं बताना भैया, किसी के पूरे नहीं थे, पता नहीं किसने आग लगाना करी है। मतलब हमला ही किया है कि लूटपाट वूटपाट कर? लूटपाट भी ले गए, सामान वहाँ से निकाल के अंदर ले गए, ले गए दुकान थी, हमने गुजारा कर रहा था, वो भी परेशान कर दिया। क्या नाम है बेटे का? विजय। ये इनकी दुकान और इनका घर यहीं पे है, यहीं के रहने वाला एक लड़का प्रेम कुमार गौतम ये आया है। इसने स्टैबिंग की है, दोनों लोगों को चाकू लग गया। दोनों नेती हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है, तहरीर प्राप्त हो रही है। तहरीर प्राप्त होने में मुकदमा पंजीकृत, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनकी दबिश के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। इसका एक भाई तथाकथित पुलिस में है, उससे भी संपर्क किया जा रहा और तत्काल गिरफ्तारी करके इसको आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। क्या मामला निकल गया है? अब ये विवेचना का विषय, जाँच करते हैं। अभी तो एक ही आदमी बता रहा है, सीसीटीवी फुटेज में दिखवाता हूँ कितने लोग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।